ओके गाइस, ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा हो गया इस चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आई है। आई नो, मेरे को नहीं पता इस वीडियो को कितने लोग देखोगे। आई थिंक मेरा चैनल डेड हो गया होगा, ठीक है। बहुत दिनों से इनएक्टिव हूँ इस चैनल पे मैं, तो मेरे को पता है इस पर व्यूज कितने आएंगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितने लोग भी देख रहे हो गाइस, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ गाइस कि मैं आखिर क्यों इतने दिन से मैं इस चैनल पे इनएक्टिव था। तो चलो आपको मैं मेन रीजन बताता हूँ, एक्चुअल रीजन कि इतना लंबा गैप मैंने क्यों ले लिया, ठीक है। मैंने गैप थोड़ा सा लिया था गाइस, वो कब एक साल हो गया मेरे को खुद नहीं पता चला, ठीक है। अब हुआ गाइस क्या कि मेरा कंटेंट जो था ना, मेरा टिप्स एंड ट्रिक था मोस्टली कंटेंट, टिप्स एंड ट्रिक लाइक सेंसिटिविटी सेटिंग, 1v4, क्लोज रेंज, ये था। और मैं इन चीजों को रिपीट करता था, लाइक नया कंटेंट कितना डालोगे भाई, तुम कितनी टिप्स एंड ट्रिक दोगे ये बताओ। तो टाइम के साथ ना मैं बोर हो गया और गाइस मेरे को लगा कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने गेमिंग छोड़ दी, ठीक है, मैं फेसबुक पे एक्टिव था। तुम्हारे भाई के 4.5 लाख फॉलोअर्स ऑलमोस्ट फेसबुक में है। मैं ऑलमोस्ट 2 पेज रन करता हूं, ठीक है, एक रेंजर आरके का, एक आरके गेमिंग का, एक और नया पेज बनाया है। अगर आप लोग को किसी गेम देखना तो आप लोग आगे चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसा है, मैं इनएक्टिव सिर्फ यूट्यूब से हुआ था, मैं फेसबुक में रेगुलर एक्टिव हूं, अभी भी एक्टिव हूं। ऑलमोस्ट एक साल से मैं फेसबुक पे काम कर रहा था, स्ट्रीमिंग कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि मैं गेमिंग ही छोड़ दिया फिर गायब हो गया, ऐसा नहीं था, मैंने काम नहीं छोड़ा, काम कर रहा था। मेरे साथ ना थोड़ी सी अजीब चीज हो गई थी बीच में, मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था एंड मेरे को क्रिएटिविटी ही नहीं आ रही थी, काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। इस रीजन से भी मैंने यूट्यूब को थोड़ा सा ब्रेक दिया और वो ब्रेक इतना लंबा हो गया मेरे को भी नहीं पता चला। सो गाइस, मैं आप लोग को एक बात बताऊं, लाइफ में कभी ना आप लोग के साथ एक टाइम जरूर ऐसा आएगा भाई जब आपका ना क्रिएटिविटी पूरी खत्म हो जाएगी, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, आप बिल्कुल लेजी हो जाओगे, बिल्कुल आलसी हो जाओगे, जैसा चल रहा है चलने दोगे। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ गाइस, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, मन ही नहीं कर रहा है काम करने का। अभी काम पे फिर से आते हैं गाइस, फिर से बूमा मचाते हैं गाइस, फिर से 1v4 वाले क्लचेस वाले टिप्स एंड ट्रिक लेके आएंगे, सेंसिटिविटी सेटिंग सब कुछ लाएंगे, लेकिन कुछ नया भी हम ट्राई करने वाले हैं इस बार, ठीक है। ऐसा नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला भाई चल BGMI नहीं कर रहा, कुछ और ट्राई कर ले, लेकिन भाई मन ही नहीं कर रहा था। बीच में मेरा ना बहुत ज्यादा मेंटली में डिस्टर्ब हो गया था, अजीब सा हो गया था, जिन चीजों में मेरे को ध्यान नहीं देना चाहिए उनमें बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा, और जिन चीजों में मेरे को ध्यान देना चाहिए था उन चीजों को मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया। मतलब चैनल अपना इतना बड़ा था यार, मैं उन चीज को भूल के बैठ गया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, हम फिर से आए। बाय द वे, पसीना बहुत तेज निकल रहा है भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है मेरे रूम में, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो गाइस, मैंने इस चैनल के साथ बहुत सारी गलतियां करी हैं, कभी एक टॉपिक पे एक नीच में कंटेंट ही नहीं डाल रहा है, मैंने अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट ब्रेक करा है, बहुत सारी चीजें हैं भाई जो मैंने बहुत सारी गलतियां करी जो मेरे को खुद नहीं पता था ये थी, लेकिन अभी मेरे को सब समझ आ गया है कि क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने काम के ऊपर ध्यान देना है, फिर से बहुत ही तगड़ी वाली वीडियोस लेके आना, पहले से बहुत ज्यादा अच्छी। मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख रहा था तो मैं सोच रहा था भाई ये क्या बना रहा था मैं, और बहुत सारे मिलियंस पे व्यूज थे पता उस पर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम फिर से उससे तगड़ा कंटेंट लेके आएंगे। एंड गाइस, सर सभी लोग से मैं सॉरी बोलता हूँ, बिकॉज मैं इतने दिनों से इनएक्टिव था चैनल पे, मैंने अच्छा कंटेंट नहीं डाला, डालना चाहता तो मैं डाल सकता था, जैसे मैं पहले काम करता था ना, अब वैसे मैं काम नहीं करता था, क्रिएटिविटी गायब हो गई, मन नहीं कर रहा काम करने का। बट अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें ठीक करी है अपने अंदर, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट करी हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें मैं आगे नई नई ट्राई करने वाला हूँ इस चैनल पे। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा गाइस कि BGMI का ही कंटेंट आएगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि बहुत ही तगड़ा कंटेंट बनाऊंगा मैं, एफर्ट लगा के कंटेंट बनाऊंगा। तो सिर्फ आप लोग से यही बोलूंगा कि भाई सपोर्ट करते रहे एंड तक, हम आगे वाली और भी अमेजिंग वीडियोस में मिलते रहेंगे। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत मैंने बोर कर लिया है, आई नो मैंने बहुत ज्यादा बोर कर दिया होगा आप लोग को। तो यहां तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो गाइस जरूर से लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जरूर से ओपी टाइप कर देना गाइस कि कौन कौन BGMI खेलने वाला है और गाइस कौन कौन कॉन्करर जाने वाला है। बाय द वे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल से सॉरी मेरे भाई लोग, यार इतने दिन से इनएक्टिव था, इतनी सारी गलतियां करी चैनल के साथ, दिल से सॉरी मेरे भाई सभी लोग को। हम फिर से आएंगे फुल एनर्जी के साथ और फिर से हम बूम बाम मचाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर मेरे भाई लोग, बाय बाय एंड